नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी के अंदर है। पहले हमने दिखाया कि किस तरह आज बम्पर आवक हो रही, वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, साथ ही किसानों को जो समस्या आ रही थी उनसे भी हमने आपको रूबरू कराया। अब हम मंडी के बारे में बताते हैं कि लगभग 18,000 बोरी की आवक है, जिसमें कुछ जो तकरीबन 100-150 ट्रैक्टर और वाहन जो है मंडी के बाहर भी खड़े हैं, और किसानों को रात भर से परेशान होना पड़ रहा है। अभी तक जो बाहर किसान हैं उनको पता नहीं है कि कब तक उनका नंबर आएगा। जो किसान अंदर है वो क्या सोचते हैं, फिलहाल बताया जा रहा है कि आज लगभग जो ऊटी की लहसुन है 18 से 20 अधिकतम है, और न्यूनतम की बात करें तो 9,000 तक है। वहीं जो देसी लहसुन की बात करें तो देसी लहसुन 4,000 से लेकर 12-13,000 तक जा रही है, जो कि सामान्य भाव है। ये भी आ रहा है सामने कि जो ऊटी की लहसुन में आज लगभग 1,000 की तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लेके आए हैं, ये भी उनसे जानते हैं। भाई साहब पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक राठौर। कहाँ से आए हैं? लासूर धामनिया से। तो क्या लेके आए हैं? लहसुन लेके आए। कौन सी आपकी लहसुन? ये फर्स्ट ऊटी। फर्स्ट ऊटी। तो क्या उम्मीद है, आपको कितना दाम मिलेगा? आप तो वो जो हमें गुरुवार के दिन बेच के गया था वो बाज़ार आज वापस आ गए शुक्रवार वाले बाज़ार में, से तो 1500 रुपये टाइट है आज, 1000 से 1500। हाँ, मतलब तेज़ी है। हाँ, तेज़ी है। तो आज भी 14 से 15,000 बिक सकती है, ऐसा अनुमान है। अनुमान है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी आपके पास कितना लहसुन का स्टॉक पड़ा है? अभी तो खड़ी साहब 9 बीघे की लहसुन और है। और पिछले जो आज से 15 दिन पहले की बात करें तो जो भाव किसान को मिल रहे थे, ये हमने अभी 1.5 बीघे की बेच चुके हैं। अच्छा, तो मतलब 14-15 बिक्री सब कुल मिला के आज की स्थिति में जो भाव है वो सामान्य है। हाँ, मतलब नहीं, अच्छा बाजार है। हाँ, किसानों की बाकी जो पीछे कुछ एक दो दिन पहले डाउन जा रहा था, वो शुक्रवार के दिन इन व्यापारियों ने आवक के हिसाब से 2 से 3 हज़ार रुपये मध्य कर दिए थे, वो बाकी आज वापस 1000 से 1500 रुपये ठीक लग रहे हैं मेरे को। अच्छा, किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? यही कुछ तो मंडी प्रशासन की व्यवस्था से इन किसानों को परेशानी आ रही है। अगर प्रशासन मंडी की व्यवस्था सुधारे तो ये बाहर कतार नहीं लगती है। अगर शाम को ही ढेर होने से पहले अगर मंडी प्रशासन अगर इन किसानों को लंबे लंबे ढेर नहीं करने दे, छोटे ढेर करे, मतलब कम जगह में बड़ा ढेर करे, तो इसको परेशानी नहीं आए, ये बाहर 200 की लाइन नहीं लगती है। ये गलती मंडी प्रशासन की है, मंडी प्रशासन ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए आप कहाँ से आए? बेगू, अनूपपुरा। अनूपपुरा, राजस्थान के बेगू से आए हैं? जी जी। तो क्या लेके आए अभी? लहसुन लेके आए। लहसुन लेके आए। कौन सी आपकी? हमारे देसी लहसुन है, जीटू। जीटू, अच्छा। जीटू, जीटू लहसुन। तो मीडियम है? अच्छा, मीडियम है। क्या उम्मीद है आपको उपज के, क्या दाम मिल सकते हैं? उपज तो यही है, 8-9 हज़ार बिक रहे हैं। 8-9 हज़ार? जी जी। वो वहाँ से इतना दूर आने का क्या रीज़न? उधर सही भाव बिकता नहीं है ना, कुल मिला के नीमच मंडी में अच्छा बिकता है इसलिए। तो जैसा कि किसानों ने बताया कि आज जो है उपज के दाम जो मिल रहे हैं काफ़ी पहले की अपेक्षा बेहतर मिल रहे हैं, और जो बीच में कुछ दिनों में डाउन देखने को मिला था वो डाउन अब ख़त्म हो चुका है, और पहले की तरह ही दम को दाम अच्छे मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के अच्छे दाम किसानों को मिलते रहें। विजित राव महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।